हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम गामी सफीरा। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 7, चैप्टर 3। आज हम न्यू चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है न्याय मंत्री। ये जो चैप्टर है वो सुप्रसिद्ध लेखक सुदर्शन की बहुत ही सुंदर और शाश्वत सत्य की ओर संकेत करती हुई एक सुंदर कहानी है। यह कहानी में अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, चाहे वह राजा ही क्यों न हो। राज्य के न्याय मंत्री में इतना साहस होना चाहिए कि वह उच्च पद पर बैठे लोगों के अपराध करने पर उन्हें भी दंड दे सके। यह कहानी एक ऐसे निडर न्याय मंत्री की है जिसने सम्राट अशोक को दंड देने का साहस दिखाया। तो बच्चों, ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाएगी, जो हमारे मॉरल्स होते हैं उसको उजागर करेगी, और जो हम किस बोलते हैं कि हम हमेशा सत्य ही बोलते हैं मगर रियल में हम सत्य का साथ देते हैं कि नहीं, वो भी हमें सिखाएगी। और अपराध किसी का भी हो मगर जो गलती किसी की भी हो और उसको दंड मिलना ही चाहिए, चाहे वो राजा हो या रंक हो, है ना। तो यहाँ न्याय मंत्री का जो कैरेक्टर है वो हमें बहुत प्रेरणा देने वाला है, बहुत अच्छी स्टोरी हम सीखेंगे। ये चैप्टर सीखने से पहले हम शब्दार्थ देख लेंगे कि हमें अच्छी तरह से उसका अर्थ पता चले। तो फर्स्ट वर्ड्स है सौभाग्य, उसका मीनिंग है अच्छी किस्मत। अतिथि यानी मेहमान, आदर सत्कार सम्मान। मुग्ध यानी मोहित, मोहित हो जाना, हम किसी हीरोज को नहीं तो कोई मूवी देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं ना, इम्प्रेस हो जाना वो। सहमत यानी स्वीकार। सुगम यानी आसान। अपराधी यानी दोषी। सहम जाना, भयभीत होना। कभी कभी हम टीचर से सहम जाते हैं ना, टीचर को देखकर सहम जाना यानी भयभीत हो जाते हैं ना, उसी तरह से। समुचित यानी अच्छी तरह। उपस्थित यानी हाजिर। निस्तब्धता यानी चुप्पी, एकदम शांति होना, उसे बोलते हैं निस्तब्धता। सन्नाटा चुप्पी। दंडित सजा देना। चेतावनी सावधान करना। निरुत्तर बिना उत्तर के। कभी कभी टीचर आपको डांटते हैं तो आप लोग क्या करते हो, निरुत्तर हो जाते हो ना, एकदम साइलेंट, है ना। उसको क्या, वो स्थिति को क्या बोलते हैं, निरुत्तर हो जाना, बिना उत्तर, कुछ भी उत्तर देते नहीं है ना वो। अब मुहावरे के अर्थ भी देख लेंगे। कौल उठना यानी बहुत क्रोध आना। डंका बजा देना यानी जीत लेना। नींद उड़ जाना यानी परेशान होना। रात दिन एक करना, बहुत परिश्रम करना। एग्ज़ाम होते हैं तो आप भी रात दिन मेहनत करते हो ना, उसको बोलते हैं कि रात दिन एक करना। आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी बहुत हैरान होना। यहाँ हैरान होना उसका मीनिंग परेशान होना नहीं है, मगर कुछ न्यू देखकर आश्चर्य का जो ठिकाना नहीं रहता है ना, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उसे उसके अर्थ में लेना। इसका वाक्य बनना है तो हम कैसे बनाएंगे कि कोरोना की वजह से स्कूल में एग्ज़ाम नहीं लेने वाले हैं। ये न्यूज़ सुनकर प्रियंशी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब हम लेसन देखेंगे। लेसन का नाम है न्याय मंत्री। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। क्या हुआ कि संध्या का समय था यानी शाम का समय था और चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का एक दरवाज़ा खटखटाया और बोला, अंदर से आवाज आई, कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। तो उसने क्या आंसर दिया कि एक परदेसी। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा?
ऐसा किसने बोला? उस परदेसी ने। जैसे ही शिशुपाल ने दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, यानी कि मैं सौभाग्यवान हूँ कि आप मेरे घर आए, तो आइए। उस तरह से उसने क्या बोला, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। ऐसे भी भारतीय जो संस्कृति है उसमें कैसा बोला जाता है कि अतिथि देवो भव, यानी जो मेहमान होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं ना। तो यहाँ भी ब्राह्मण शिशुपाल उस परदेसी को कहते हैं कि आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर के भीतर गए, भीतर जाना यानी अंदर गए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। यह देख परदेसी मुग्ध हो गया। मुग्ध होना यानी क्या होना, मोहित हो जाना। भोजन आदि से निबट कर दोनों बातें करने लगे। बात उस समय की देश की दशा पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खोल उठता है। परदेसी इस बात से सहमत न था। कुछ चिद कर वह बोला, दोष निकलना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। यानी कि वे दोनों खाना खाकर बातचीत कर रहे थे, तो शिशुपाल कहने लगे कि आजकल देश में बड़ा अन्याय हो रहा है, जिसे देखकर मेरा खून खोल उठता है। अतिथि को यह अच्छा नहीं लगा। वह बोला, दोष निकलना तो आसान है, पर कुछ करके दिखाना कठिन है। तो शिशुपाल ने क्या कहा? शिशुपाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मर्म को छू दिया हो। बोले, अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। कुछ भी कठिन नहीं होता, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। यहाँ तो जो शिशुपाल और परदेसी के बीच में डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें तो शिशुपाल की मन की बात किसने छू ली है ना, उसी तरह से वो शिशुपाल बोलने लगे वो परदेसी के सामने कि हमारे यहाँ बहुत अन्याय हो रहा है, मगर मुझे जो अवसर मिला ना, तो मैं न्याय किसे कहते वो दिखा दूंगा। तो वो हंसने लगे, कौन, परदेसी, और बोलने लगे, क्या आप अवसर चाहते हो? तो शिशुपाल ने बोला, हाँ अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, कोई अपराधी दंड से न बचेगा। तो परदेसी मुस्कुरा रहे। तो वो परदेसी क्यों मुस्कुरा रहे थे? तो उन्होंने, यह बहुत कठिन काम है, कुछ भी कठिन नहीं होता, ऐसा शिशुपाल ने बोला, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। वो न्याय का डंका कैसे बजाएंगे वो हम आगे देखेंगे। तो बच्चों, अब क्या होगा और वो परदेसी क्यों मुस्कुरा रहे थे, ये हमें आगे की स्टोरी में पता चलेगा। मगर आज आपका होमवर्क है चैप्टर 3 के शब्दार्थ और मुहावरे आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है अच्छी राइटिंग से। और क्या करना है, ये जो चैप्टर है उसकी PDF मैं आपके WhatsApp ग्रुप में भेज दूंगी, तो आपको 2 times रीड करना है। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।